आप लोग अच्छे तरह इस बात को जानते हैं कि मोहंगी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी, पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 जिले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है, महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपए में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपए पे बेच रहे हैं, और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की, जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा, जीतू जी। कहाँ सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा, ठीक है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।